नायरा की हो रही है गोद भराई और वो भी नायरा के ससुर जी के पोस्टर के सामने, कटआउट के सामने नाच गाना करके ये गोद भराई का जश्न मनाया जा रहा है। अब क्या करे, मजबूरी है तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। तो अगर ससुर जी नहीं है तो ससुर जी की फोटो ही सही, भाई काम तो चलाना ही पड़ेगा, काम आगे बढ़ेगा तभी तो मजा आएगा और कहानी भी आगे बढ़ेगी। देखिए कहानी में क्या ट्विस्ट है। लो भाई आ गई है खुशियों वाली डोली, जिसे अपने कंधों पर उठाकर लाए हैं नायरा के पति कार्तिक, भाई नक्श और दो छोटे चाचा। क्योंकि नायरा की गोद भराई जो हो रही है और गोद भराई के मौके पर नायरा की एंट्री कुछ ऐसे होने वाली है। ऐसा लगता है नायरा कार्तिक के लिए आया है खुशियों वाला दिन, सपने पूरे होने वाला दिन। नायरा की गोद भराई पर परिवार में छाई है खुशी। कभी कार्तिक नायरा के सामने डांस कर रहा है तो कभी उस पर फूलों की बरसात करता है और पूरा परिवार कुछ ऐसे ही नायरा को खुश करने की कोशिश कर रहा है। परिवार के जो सदस्य इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनके बदले उनके पुतले को यहाँ पर लाया गया है, उनका कटआउट लाया गया है ताकि उन्हें मिस ना किया जाए। मगर इसी खुशी के बाद आने वाला है कहानी में बड़ा ट्विस्ट। कार्तिक को आएगा एक फोन कॉल और वो फोन कॉल सुनकर जाएगा उस बच्ची की मदद करने के लिए जिसे उन्होंने किसी और को गोद दिया है, और फिर कार्तिक खुद भी लापता होने वाला है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।